नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद टीवी में। मैं हूं आपके साथ सूरज तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रयागराज में, और प्रयागराज में ये देख सकते हैं हमारे साथ ये जो नागा साधु मौजूद है ये सर्फ लिए हुए हैं, नाग है बाबा की नागिन लिए हुए हैं, और देख सकते हैं गले में टगाए हुए हैं और नागिन के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि ये भोले का भक्त होते हैं, और इनका नागा बाबा और इनका भोले की ये जो सेना है इनका साथ होता है। हम बाबा से बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा की ये देख सकते हैं डमरू रखा हुआ है, और ये रुद्राक्ष की माला इधर रखी हुई है, चूंकि आपको नहीं दिखाई देगा, लकड़ी के सामने रखी हुई है और डमरू उधर रखे हुए हैं, और ये नागिन है जो जीभ बाहर निकाल रही है। हमें तो थोड़ा डर लग रहा है, बाबा से बात करने की हम कोशिश करेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वृषभ कमलपुरी। कमलपुरी नागा साधु कब बने थे? नागा तो देखो हम नंगे ही हैं बचपन से, हमारा नग्न तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा। है ना, नग्न तो वैसे ही है। सन्यासी अनादि से है, आदि अनादि यात्रा है ये शिव से जीव की। अच्छा। इसमें कोई वो नहीं, ये जो चल रहा है ना ये भी मैं बन चुका हूँ, ये शरीर भी मैंने धारण किया हुआ है, लेकिन ये शरीर धारण किए हुए मुझे 5000 कल्प बरस हो चुके। अच्छा, ये नाग का रूप आपने धारण किया नागिन का, ये नागिन जो है आप क्यों लगाए हुए है? ये लगाए नहीं, ऐसे आते हैं लेके तो हम लोग इसको पकड़ लेते हैं, रख लेते हैं अपने पास, प्रेम करते हैं, थोड़ा जीप से लगाव है, प्राकृतिक जीवों से लगाव है। जैसे प्राकृतिक म्युनिसिपैलिटी है, श्वान है जिसको कुत्ता बोलते हो आप लोग, और सुअर है, फिर बाकी चील है, गिद्ध हैं, बगुले हैं, और इसमें सांप के भी बहुत सारी प्रजातियाँ आती हैं, नाग की आती हैं। तो ये जो नाग है पितृयोनि, ये नाग जो है पितृयोनि, और ये समय जो कालचक्र है वो भी नाग और नागिन, अंधकार रूपी जो है नागिन है, प्रकाश रूपी है जो नाग है, समझ रहे हैं ना आप? यही महादेव के गले में पूरा ब्रह्मांड है। हाँ। ब्रह्मांड नाग रूपी है। हाँ। समझ रहे हैं आप? हाँ। तो ये इसी में हम हैं समाये हुए। हाँ। समझ लो, इसका अभी दांत टूटा हुआ होगा। हाँ, इसका दांत अभी दांत टूटा नहीं है। हाँ। जो पिचकारी ये निकालते हैं थैली, हाँ। वो अंदर से रस्सी निकाल दिए तो वो मतलब दांत तोड़ते नहीं है। हाँ। पिचका वो थैली हट जाती है, तो विष नहीं लगता। हाँ, विष नहीं, विष है इसमें, विष है लेकिन छोड़ नहीं सकता है, छोड़ नहीं सकती, जो मारते है सब वक्त छोड़ती है। हाँ, वो एक आयुर्वेदिक जड़ी होती है, उस जड़ी में ये दांत मारते ही इनका विष जो है अंदर से मतलब पंचर हो जाता है, बाहर नहीं निकलता, नहीं तो ये आंखों में फेंक दे। आंखों में फेंक दे, तो ये अभी गुस्से में है या नॉर्मल? ये गुस्से में नहीं, ये समर्पित है अभी। समर्पित है, ये समर्पित है आपके ऊपर। हाँ, किसी के भी ऊपर समर्पित है। तो गुस्से में कब होती है, क्या गुस्से में तब होते हैं जब इसका पग दबा दो, पूंछ दबा दो आप, पूंछ दबा दो या कहीं ऊपर से वजन गिर जाए तो गुस्से में हो जाते, खड़े हो जाते हैं। ये मेरी तरफ आ रही है, बाबा पकड़िए आप, पहले तो मुझे तो डर लग रहा है आप इसे लगाए हुए। ये अभी फन फैला कर नहीं बैठी, फैलाएगी, फन फैलाएगी, इधर दबाएंगे ना तो ये फन फैला देगी। अच्छा, आप इनसे खेलते रहते हैं, इनके साथ रहते हैं? हाँ, इधर लाते हैं तो हम इनको पकड़ लेते हैं, कहीं भी हम गुरु महाराज के आश्रम में रहते हैं, वहाँ आने का पर क्या के हिमालय की तरफ जाते हैं तो वहाँ क्या है कि प्राचीन धुना है, शिव धुना। हमारे सनातन में चार धुने हैं, प्रकाश धुना, दत्त धुना, शिव धुना और गोरख धुना। और ये धुनों में जो आश्रम होते हैं बड़ी बड़ी, जहाँ जीव जंतु गाय श्वान कुत्ते और जंगली जानवर भी होते हैं, तो वहाँ ये होते हैं, आते रहते हैं, तो बचपन से मैं खेलता हूँ उनके साथ। जिनके दांत नहीं टूटे हुए तो वो भी, उनको भी पकड़ सकते हैं हम, परंतु उनके साथ एक दो दिन घुलना मिलना पड़ता है। कैसे? जैसे इस बाजू इधर ही आया कहीं तो उस पास आस पास रहो, दूध रखो, आराधना करो शिव भगवान की। अच्छा, और अपने आप दूध रखते ही तुरंत पी जाते? तुरंत नहीं पीते, किस भावना से हमने दूध रखा है वो गाय का है कि नहीं देसी, उसको देख के पीते। इसका भी लेकिन ये अभी अभी ये पीने लग जाएगा, क्योंकि आजकल प्योर तो कोई चीज रही नहीं, प्योरिटी तो सब चीज में खत्म हो गई है ना। हाँ। जो गाय घास खा रही है उसमें भी केमिकल है ना। तो ये पीते क्या होंगे जो सर्प? ये ओंस पीते हैं, सर्प नहीं। हाँ। ये सर्प की प्रजाति नहीं। हाँ। ये नाग और नागिन की प्रजाति दो ही है। अच्छा। ये नागिन है, ये ओंस पीते हैं, ओंस होती ना चंद्रमा से गिरने वाली ओंस। पता चला आपको कि ये नागिन है? इसकी पहचान होती है, ये अभी फन फैलाई हुई नहीं है। हाँ। जो जिसका फन 24 घंटा फैला रहता है नाग होता है। अच्छा। और नागिन अपना रूप चेंज कर रखती है, अभी ये जाने की कोशिश कर रही है। बाबा ऐसा बोला जाता है कि अगर नाग को मार दिया तो नागिन बदला लेने आती है, तो ये क्या सत्य है? ये सत्य है, ये नागिन जो है हमारे ब्रह्मांड से लेकर ये
जठराग्नि तक यहाँ की जो हिस्सा है ये समय काल चक्र बोला गया है, कुंडलिनी कुंडलिनी शक्ति है इसमें, इसी को नाग और नागिन बोला गया है। तो ये स्वतः हमारे शरीर में है मौजूद पहले से ही। ये योनि एक ऐसी योनि है जो बहुत लंबी है, इसमें बहुत झेलना पड़ता है इनको तकलीफ, किसी के भी हाथों मरने का भय रहता है। ये योनि दुश्मन को भी नहीं मिलनी चाहिए, इसीलिए नाक को मारने वाला या नागिन को मारने वाले का इस शरीर रहते हुए कमर दर्द, जोड़ों के दर्द करते हैं उसके, और हमेशा गर्दन दर्द करता है और बीमारी हो जाती है शरीर में, और अंत में सर्पदंश से मृत्यु होती है उसकी। उसकी सर्पदंश से मृत्यु। बाबा ऐसा माना जाता है जो भोले की सवारी होते, भोले की सवारी नहीं, भोले की सेना, सेना सेना। अब ये जितने भी मैं आपको बताऊं तो आप बोलना नहीं बीच में। अंडज पिंडज श्वेतज उद्भिज चार प्रकार की योनियां हैं। योनियां यानी कि रास्ता दरवाजा 84 लाख में बटे हुए हैं। 21 लाख 21 लाख अंडे से पैदा होते हैं, 21 लाख धरती फोड़ के पैदा होते हैं, 21 लाख श्वेतज अपने आप प्रकट हो जाते हैं, 21 लाख गर्भ से पैदा होते हैं। अब इनमें से जो अंडज पिंडज श्वेतज हैं ये पशु रेंगने वाले जलचर थलचर वायुचर के होते हैं, और जो उद्भिज है ये गर्भ वाले हैं। इसमें 21 लाख जो है, 21 में से पूरे तो नहीं, 7-8 लाख चेतन रूप में, बाकी सब जड़ रूप में। चेतन में जैसे गाय है, श्वान है, कुत्ता जिसको बोलते हैं आप श्वान, और बहुत सारे ऐसे घोड़े हैं, ऐसे जीव जंतु आते हैं जो हम घर में भी पालते हैं, वन्य जीव भी होते हैं, वो चेतन भी होते हैं, नाम लेते हैं। जैसे गाय का नाम पुकारो आ जाएगी, भैंस का पुकारो के नहीं आएगी, वो जड़ है, वो चेतन है। इसी तरह तो हम इन सब शरीरों में से आगे ये मनुष्य शरीर में आते हैं, क्योंकि ये यात्रा क्यों होती है, क्योंकि एक बल्ब जल गया तो उसका प्रकाश तो जाना ही है इधर उधर। तो परमात्मा जब है तो उसका तो प्रकाश अंश रूपी हम आत्मा तो जाना ही है। तो यहाँ तो नित्य चलने वाला खेल है, एक किसी के खत्म करने से खत्म होने वाला नहीं है ना, किसी के जान लेने से जाना जाने वाला नहीं, किसी के मान लेने से भी वहीं तक होने वाला सीमित नहीं। अखंड अनादि है, अबोध है, शाश्वत है, नित्य है, सनातन है। सप्त ऋषि रहे सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन, ये चार ऋषियाँ, फिर एक भृगु ऋषि रहे हैं, फिर एक रहे अंगिरा ऋषि, एक और ऋषि हैं जिनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। ये सप्त ऋषियों से सप्त अखाड़े हैं। सप्त अखाड़े सिस्टम तो अभी शंकराचार्य जी महाराज गुरु जगत गुरु ने रखा, लेकिन संन्यास आदि अनादि से शंकर जी जो है संन्यास के आश्रम में है, संन्यास आश्रम भी है। आपने देवी देवताओं ने उनको फिर गृहस्थ में लाने की कोशिश की, अनेक बातें हुई, लेकिन फिर भी वो समाधि में है ना। तो इसी तरह हम अपने जिसके कोई गुरु नहीं, जिसकी प्रकृति गुरु है, इन्हीं का ध्यान लगाते हैं। हम सब शिव की प्रकृति हैं, शिव को शरीर में ही जाना जा सकता है, माना भी जा सकता है और धारण भी किया जा सकता है और समझा जा सकता है। शिव एक पदवी है, समझ लीजिए। बाबा जैसा अभी आप जो लिए थे नागिन लिए थे, ये मड़ी छोड़ती है, मड़ी कब छोड़ती है? ये ऐसा है, देखो हर किसी के अंदर अपना अपना हुनर होता है, जैसे मनुष्य में कुदरत ने दिया हुआ, जैसे कहते हैं कि गॉड गिफ्ट है, भगवान का दिया हुआ उपहार है, जन्म से ही है बताते ना। इसी तरह पशु पंछियों में भी, रेंगने वाले जीव जंतुओं में भी प्रभु ने कुछ न कुछ दे रखा है जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, मतलब अपना जीवन अच्छी तरह जी सकते हैं। तो इनके अंदर मणि की बात जो है वो तो ये कम उम्र का है, अभी ये कम उम्र की है, मतलब 4-3 साल लगभग। कितने साल तक जी सकते हैं? ये बोला ना 300, 400 वर्ष, 500, इनके तो कोई परफेक्ट नहीं। भोजन अच्छा किया इन्होंने, तप में रहने लगे, ओस खाने लगे, ओस को पीना है, तप में रहना है, व्रत 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब मणि आती है। अच्छा, 100 वर्ष हाँ मणि छोड़ते फिर इच्छाधारी हो जाते हैं। इसमें नागिन इच्छाधारी नहीं होती, नाग इच्छाधारी होता है। तो इच्छाधारी इंसान का भी रूप रख सकते हैं कुछ भी? तो क्या इस समय भारत में कहीं भी पृथ्वी लोक में इच्छाधारी होंगे? है, इच्छाधारी नाग है। ये काल चक्र है, समय चक्र है, ये हर रूपों में हमें दर्शन भी देते हैं, परंतु हम पहचान नहीं पाते। अब किस रूप में मेरे को दर्शन दिया ये क्या बाद में कर सकता हूँ मैं, लेकिन जब सम्मुख में आप आएंगे तो मैं विचार नहीं कर पाऊंगा कि आप ना, ऐसा ही होता है। दर्शन प्रदर्शन की बात से अलग मैं कहता हूँ कि साक्षात्कार हमें हर वक्त शिव के होते रहते हैं। अब ये कैसे होते हैं मैं आपको जना नहीं सकता, इसके लिए आपको फिर इस आश्रम में आने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा होता है,
क्यों, मेरा आनंद है। परंतु गृहस्थ आश्रम में रह के निष्काम सेवा करते हुए सभी कुटुंब बंधुओं की आप इस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। 65 में रहते हुए माँ बाप की सेवा करते हुए, परंतु निष्काम सेवा वहाँ नहीं होगी तो आप परम आनंद की अनुभूति इस आश्रम में नहीं कर सकते। बाबा वो बोल रहे थे वो फन फैलाएगी, वो तो अंदर चली गई आपकी, फन फैला कर नहीं दिखाए। माता थोड़ा दे दीजिए बाबा, फन फैला के दिखा दो। तो बाबा बाबा आप करिए, ये देख सकते हैं ये जो नागिन है बाबा है, इन्हें अपने हाथ में लिए हुए और बोल रहे हैं अभी फन फैलाएगी। लगभग अभी इसकी उम्र क्या होगी बाबा आप पता है? 3 करीब। 3 है। ये देखिए, ये देख सकते हैं ये, अच्छा यहाँ पर मालिश करने से ये फन फैला लेती है, क्यों? इसको गुस्सा आ जाता है। अच्छा वहाँ पर मालिश करने से गुस्सा, दबाने से, मालिश करने से नहीं, दबा रहे तो गुस्सा आ रही है। फन फैला जो नागिन है ये फन फैला रही है और इस समय ये बोल रहे गुस्से में। अच्छा बीन बजाने से ऐसा क्या होता है? बीन बजाने से इनको रोमांचक हो जाते हैं, मनोरंजन में आ जाते हैं, मनोरंजन के मूड में नाचती है। उस समय बोला जाता है काट नहीं सकती किसी को, काटती नहीं है ये, उसके वश में हो जाती है जो बीन बजाते। अच्छा और ये कौन सी जड़ी यूज की जाती है इन्हें? वो जड़ी तो मैं आपको बता नहीं सकता, परंतु होती है एक ऐसी जड़ी जो जिसके वश में ये सम्मोहन हो जाता है इनके ऊपर और ये वश में हो जाते हैं। वो जड़ी मैं पूछ रहा हूँ, जैसे ये काट लेती हैं तो एक जड़ी होती है? हाँ होती है। इसमें मैं आपको घरेलू औषधि बता देता हूँ, उस जड़ी को छोड़िए वो यहाँ मिलेगी भी नहीं। हमारे दर्शक भी जान जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति मौजूद हो जाती है तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग हिमालय में रहते हैं। दरअसल ये काटेगा तो आपको प्रसिद्ध जड़ी की जरूरत पड़ेगी, अचानक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ियों से के बिना नहीं हो सकता। परंतु सांप जो आम सांप होते हैं जिनका फन नहीं होता, सादा जैसे ये है ना, इसी तरह होता है और वो गंदगी भी खा लेते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, ये मांसाहारी नहीं है। ये पकड़ लेगा, मार के छोड़ देगा परंतु खाएगा नहीं ऐसा। तो इनका जो है आयुर्वेद की बात करें तो प्याज होता है एक, हाँ। देसी प्याज होता है, हाँ। उसमें काटो तो दूध निकलता है, अच्छा। वाइट दूध निकलता है, हाँ। सांप के काटने पर जहाँ पर काटा खून निकाला वहाँ पर से हटा काट देंगे आप, ब्लड निकालेंगे ना, हाँ। ब्लड निकालने के बाद जैसे खून बाहर को बहा अपना ब्लड निकलने लगा, हाँ। तो उसके ऊपर प्याज का वो दूध होता है, हाँ। उसको डाल देने से निचोड़ कर डाल, हाँ निचोड़ के नहीं, दूध अपने आप आता है उसमें, हाँ। तो धीरे धीरे उसका सर्प का जहर धीरे धीरे कम होता है, हाँ। हॉस्पिटल ले जाओ या कहीं वैद्य के पास ले जाओ, तब तक वो दर्द कम रहता है, हाँ। जहर असर नहीं करता, जहर असर नहीं करता। चलिए तो ये इसको दूध पिला देना, ठीक है ना? आप लिए हैं क्या? तो ये देखिए मेरे साथ नागा बाबा मौजूद थे जिन्होंने सर्प लिए थे और सर्प के बारे में बताया, जो वो नागिन थी उसके बारे में बताया उन्होंने। चूंकि ये नागा साधु होते हैं और शिव की सेना माने जाते हैं, ये नागिन जो होते हैं शिव की सेना माने जाते हैं, ये हिमालय में रहते हैं, इनके बारे में इन्हें अच्छी जानकारी होती। इन्होंने जो जड़ी थी उसके बारे में बताया, अगर ये सर्प जो डंग मारते हैं अगर डसते हैं तो बताया कि एक प्याज होती है उसका अगर दूर लगाए तो उससे जो विष है वो नहीं फैलता। इसी तरह आपको कुंभ से और कोई विशेष चीजें दिखाएंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ वीरोजन रवि के साथ सूरत संवाद टीवी।